एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई 1962। केको के गायब होने के बाद लीश और बिली रैंडा उसके बेटे हिरोशी को फाइनल गुड बाय बोलने आए थे। मोनार्क यूएस आर्मी की मदद से कुछ लोगों को हॉलो अर्थ में भेजने की प्लानिंग में था। लीश ने इस मिशन के लिए खुद को वॉलंटियर बना लिया। माना कि यह मिशन खतरे से खाली नहीं था, बट स्पेस की तरह ही किसी को तो नीचे जाकर मूटोस के अननोन खतरे के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। स्पेस तो फिर भी सेफ है, हॉलो अर्थ से तो ह्यूमैनिटी को एक्चुअल में खतरा था। जाने से पहले शॉन ने हिरोशी को अपना लकी पॉकेट नाइफ थमाकर वादा किया कि वो उससे मिलने वापिस जरूर आएगा। मोनार्क ने इस मिशन को ऑपरेशन आवर ग्लास का नाम दिया। मोनार्क के साइंटिस्ट ने हॉलो अर्थ का पोर्टल तो ढूंढ लिया, बट इस अनस्टेबल पोर्टल को क्रॉस करने इन्हें अब भी किसी काइजू से लिफ्ट लेनी थी। तो अब ये लोग इस डिवाइस की मदद से शॉ और बाकी वॉलंटियर्स को चारा बनाकर मॉन्स्टर को पोर्टल के ऊपर तक बुलाएंगे और नीचे से पोर्टल खुलते ही वॉलंटियर्स की कैप्सूल को सुरंग में गिरा देंगे। पहले तो इनका प्लान ठीक ठाक काम कर रहा था, बट पोर्टल के ओपन होते ही सब उल्टा पुल्टा हो गया। वो पोर्टल कैप्सूल के साथ साथ आसपास की चीजों को भी अंदर खींचने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के बाद हॉलो अर्थ को जाने वाला ये पोर्टल बंद हो गया। रैंडा और बाकी सबको लगा कि ऑपरेशन आवर ग्लास के सारे वॉलंटियर्स मारे गए। इस फेल्ड मिशन के बाद जनरल पकेट ने मोनार्क की फंडिंग बंद कर दी और बिल रैंडा को सलाह देते हुए कहा कि अच्छा होगा कि वह अब मॉन्स्टर का पीछा छोड़कर हिरोशी की परवरिश पर ध्यान दे। मोनार्क ने ऑलरेडी हिरोशी से उसकी माँ और अंकल शॉ छीन लिए। ध्यान रहे कि हिरोशी अपने बाप का सपोर्ट भी ना खो दे। फिर हमने देखा कि जख्मी ली शॉ मोनार्क के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में पड़ा है। होश आते ही शॉ ने देखा कि वहां के डॉक्टर्स रेडिएशन प्रूफ सूट्स पहने उसे स्कैन कर रहे थे। शॉ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है। डॉक्टर्स ने उसे एक स्पेशल फैसिलिटी में बंद करके रखा था। शॉ के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर्स उसे बिली रैंडा से मिलने नहीं दे रहे थे। फिर शॉ ने हॉस्पिटल की एक नर्स को बंदी बनाकर रैंडा से मिलने के लिए सबको ब्लैकमेल किया। तभी मोनार्क के एक ऑफिशियल ने ली शॉ को बताया कि बिली रैंडा अब नहीं रहे। ऑपरेशन आवर ग्लास आज से 20 साल पहले हुआ था, यानी शॉ ने हॉलो अर्थ की ट्रिप के वक्त किसी तरह टाइम ट्रेवल कर लिया। वह गया तो 1962 में था, बट वापस 1982 में आ गया। इसी दौरान बिली रैंडा स्कल आइलैंड पर मारे गए और जो मोनार्क का एजेंट शॉ को यह सब बता रहा था वो और कोई नहीं बल्कि केको का बेटा हिरोशी है। ये सब सुनते ही ली शॉ को चक्कर आने लग गए। हॉस्पिटल में थोड़ा स्टेबल होते ही ली शॉ हिरोशी को अपने हॉलो अर्थ वाली स्टोरी बताने के लिए मान गया। पोर्टल से नीचे लैंड होने के कुछ देर बाद ही शॉ के सारे साथी एक एक करके मारे गए, या तो मॉन्स्टर्स के जरिए या फिर वहां के खतरनाक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते करते। ली शॉ एक्सीडेंटली एक मॉन्स्टर से भागते हुए हॉलो अर्थ से सरफेस पर आने वाले पोर्टल में खिंच गया। उसी पोर्टल के जरिए ली शॉ वापिस अर्थ के सरफेस पर चला आया। यानी मॉन्स्टर्स के हॉलो अर्थ वाले रम में टाइम रिलेटिव नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें फिजिक्स के परे हैं। जैसे शॉ के बिताए कुछ दिन अर्थ के 20 साल बन गए। इसीलिए शॉ 90 प्लस होने के बावजूद भी इतना यंग दिखता है, क्योंकि टेक्निकली उसकी बॉडी 70s में ही है। हिरोशी ने शॉ को बताया कि मोनार्क उसे एक रिटायरमेंट होम में शिफ्ट कर देंगे। हिरोशी को अब यह मॉन्स्टर वाला बिजनेस छोड़ छाड़ कर कुछ अलग करना था, बट ली शॉ ने उसे फोर्स करते हुए समझाया कि मोनार्क उसके फैमिली की लेगेसी है। अगर हिरोशी ने अभी सब कुछ छोड़ दिया तो केको और बिली की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। मोनार्क ने ली शॉ को दवाइयां पिला पिला कर बरसों तक उसी रिटायरमेंट होम में कैद रखा। 2014 वाले गॉडज़िला अटैक को टीवी पर देखने के बाद प्रेजेंट टाइम वाले ली शॉ ने फाइनली मोनार्क के ड्रग्स लेना बंद कर दिए। इसीलिए जब केंटर और केड इससे मिलने आए थे तब शॉ पूरी तरह से होशो हवास में था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। केंटारो को होश आते ही पता चला कि उस फैक्ट्री वाले धमाके में केट में और शॉ तीनों मारे गए। इनके साथ साथ और भी कई लोगों की जाने गई। मोनार्क ने इस पूरे हादसे का जिम्मेदार शॉ को ठहराया। केंटारो ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया कि एक ही हादसे में उसने अपनी बहन और एक्स दोनों को खो दिया। पर जल्दी हमें पता चला कि वो सारे जिंदा हैं। हॉलो अर्थ में होश आते ही ली शॉ मे का हाथ पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाने लगा। पोर्टल के बाद बने इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड से जानलेवा बिजली के झटके निकलते हैं। शॉ किसी तरह मे को लेकर खतरे से बाहर आ गया। आसपास केट का कोई अता पता नहीं था, यानी केट कहीं और जाकर लैंड हो गई। शॉ ने मे को बताया कि इन्हें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा, क्योंकि पिछली बार जब ये यहां आया था
तब उसने अपनी लाइफ के 20 साल खो दिए। ऊपर सरफेस पर केंटारो ने डिसाइड किया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपना मिशन कंटिन्यू करेगा। ओके, तो जब भी लीशो कोई पोर्टल बंद करता है, अर्थ की अलग अलग जगहों से गामा रेज निकलते हैं। डॉक्टर बांस ने नोटिस किया कि इन गामा रेज में से एक सिग्नल एक्चुअल में कोडेड मैसेज है, यानी कोई तो है जो इन्हें गामा रेज के जरिए सीक्रेट मैसेज भेज रहा था। दूसरी तरफ केंटारो अपने मिशन को कंटिन्यू करने वापिस अपने पापा के जापान वाले ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद ही यहाँ पर हिरोशी भी आ गया। एज एक्सपेक्टेड, हिरोशी फिर से अपने बेटे को पूरी तरह से इग्नोर करके फिर से काम पर फोकस करने लगा। तभी केंटारो ने इसे बताया कि शॉ के किए धमाके में केट मारी गई। ये सुनते ही हिरोशी फूट फूट कर रोने लगा। उधर हॉलो अर्थ पर होश आते ही केट का सामना एक छोटे काइजू से हुआ। देख के लग रहा था कि ये मॉन्स्टर केट के साथ थोड़ा खेल कर उसे खा जाएगा, पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर केट को कुचल दे, किसी ने तीर मारकर उसे भगा दिया। फिर हमने देखा कि वो तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि केको है, जवान केको। यानी 1959 में पोर्टल में गिरने के बाद केको जिंदा बच गई। हॉलो अर्थ के नॉन लीनियर टाइमलाइन की वजह से इसकी उम्र भी नहीं बढ़ी। और यहां होता है एपिसोड 9 खत्म। बस एक एपिसोड बच गया है और अब भी ये सीरीज एकदम बिलो एवरेज लग रही है। मोनार्क लेगेसी ऑफ रैंडा फैमिली। होपफुली इसके सीजन फिनाले में कुछ तो इंटरेस्टिंग देखने मिले। हो सकता है कि सारा सीजीआई बजट इन्होंने बस फिनाले के लिए बचा कर रखा हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।